Eh, kawan, ini satu bulan berapa ini gaji? Apa? Satu hari? Ini tidak tahu hari-hari. Hah, satu bulan berapa gaji? Satu hari 80. Ah, 80. Kosiko macam sama ramai. तो हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है मलेशिया में, जो बिल्डिंग लाइन काम होता है कंस्ट्रक्शन का काम, और आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखिए कैसे काम किया जाता है कंस्ट्रक्शन का। ये देख सकते हैं, ये इंडियन मिस्त्री है, और इधर भी देख सकते हैं ये लोग अभी देखने आए हैं क्योंकि ये इंडियन मिस्त्री काम कर रहा है इसलिए। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि इधर है मलेशियन मिस्त्री, जो मलेशिया का यहाँ का रियली वो जो नागरिक है वो यहाँ का मिस्त्री भी है, काम कर रहा है, और ये लोग का बहुत अच्छा खासा सैलरी भी बनता है कंस्ट्रक्शन का काम में आके। और कंस्ट्रक्शन में कैसे काम किया जाता है ये देख सकते हैं, और इसके बाद आपको लेके चलते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए, अगर आप लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम में आना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनी अच्छा है, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ मैं आप लोगों को काम का ही वीडियो दिखाता हूं कि कैसे काम किया जाता है, और ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाता है। अगर आप हेल्पर में आते हैं तो 1500 रिंगित आपका बेसिक ही रहता है, और ये अच्छा खासा इसमें इनकम होगा क्योंकि इसमें ओवर टाइम रहता है और काम भी इतना ये नहीं है, इंडिया के जैसा हाई फाई काम नहीं है और ना ही आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। इसमें हल्का काम है और इसमें आप काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम में। और कौन कौन सा कंपनी में आ सकते हैं इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं अभी थोड़ा बैठ के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज आप लोगों को कंस्ट्रक्शन काम कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं मलेशिया में इंडियन वर्कर, तो चलिए आप लोगों को दिखाऊँगा मिस्त्री और वर्कर कैसे काम करते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो इसी तरह आप लोग को काम करना पड़ेगा मलेशिया में कंस्ट्रक्शन के काम में। हालांकि मैं पाम प्लांटेशन का वीडियो बनाता हूं, और पाम प्लांटेशन काम के बारे में हो या कोई भी जानकारी हो मैं इसका मतलब आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। लेकिन मैं सोचा आज कंस्ट्रक्शन के बहुत भाई लोग भी कॉमेंट कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है, बिल्डिंग लाइन का काम कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग लाइन का काम इसी तरह किया जाता है, ना आप लोग को पाम प्लांटेशन का झंझट होगा और ना ही उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मिस्त्री हैं तो मिस्त्री का अच्छा खासा सैलरी आता है, हेल्पर से 1500 रिंगित से 3000 रिंगित तक आप कमा सकते हैं। हेल्पर का 1500 रिंगित है और मिस्त्री का इससे ज़्यादा है, तो आप मिस्त्री में आके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मलेशिया में कंस्ट्रक्शन का काम में। ये मलेशिया का कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा पुराना मतलब पहले से काम कर रहा है, और ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे काम किया जाता है। और ये इंडियन एक मिस्त्री है, ये देख सकते हैं ये इंडियन मिस्त्री है जो ये ज़्यादा फास्ट काम करता है, भाई मलेशियन से भी ज़्यादा फास्ट काम करता है। आप देख ही चुके हैं कि एक साथ में दोनों पकड़ के वो अभी नीचे है और अभी ये ज़्यादा ऊपर मतलब ईट जोड़ दिया है। तो चलिए फिर ये लोग से पूछते हैं कुछ सवाल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई लोग, ये लोग को दिखाते हैं। ये लोग है, ये हेल्पर है, ये दो मतलब मलेशियन का हेल्पर है, और ये इंडियन जो अभी पक्षी मारने के लिए, देख सकते हैं कि पक्षी मारने के लिए ये मतलब गुलाठे लेके हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये रूम बन रहा है, जो मलेशिया में वर्कर लोग आएंगे उसका रूम बन रहा है, जो पाम प्लांटेशन का वर्कर लोग आते हैं कहीं दूसरे जगह से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं और दूसरे जगह से भी आते हैं, तो वो लोग का जो है बना रूम बन रहा है। तो ये लोग मतलब है हेल्पर। तो चलिए भाई लोग, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज